से जो चुनाव का जो इलेक्शन कमिश्नर लगा हुआ है वही गलत है, वही बिका हुआ है, मोदी ने ले लिया है। मोदी मोदी मतलब बिल्कुल देश का सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री। वो कैसे बोल रहे हैं 400 पार इस बार? 400 वो तो 600 पार कर सकता है, उसकी कोई उसका क्या। जिस समय मोदी जी आए हैं उस समय स्वीकार कर रहे हैं कि तानाशाह हैं, काम को काम के प्रति है, ना कि जनता के प्रति है तानाशाह, काम के प्रति है। और और काम बताइए, दुश्मनों के लिए तानाशाह है। काम बताइए क्या, आज तो काम पढ़िए, यूट्यूब खोलिए, खोलिए देखिए। आज हम अमरनाथ यात्रा के आधे रास्ते तक सड़क पर पहुंच गए कि और चाइना बॉर्डर तक हमारी रोड हो गई, कई सड़क पे पहुंच गए हैं। चाइना की तरफ देखने की हिम्मत तो नहीं करते, चाइना से अलग ले लेते। पहले था ये, पहले था घुस के मार के चले जाते थे, अब तो दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं हमारे सैनिक। क्या था आदमी, इंदिरा गांधी ने दो किया, पाकिस्तान को तोड़ के बनाया बांग्लादेश, ये एक तो हवाई जहाज लेके गया बंदा, वो भी पकड़ लिया गया, वो तो किसी ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया और छोड़ दिया पाकिस्तान ने, उसी का महिमा मंडन कर रहे हैं। वही भी इतने लोग पुलवामा का सबूत मांगते हैं, आप ही जैसे लोग हमारे देश के बहादुर जांबाज क्यों नहीं, अग्निवीर समाज के लिए, सैनिकों के लिए अग्निवीर योजना लेके आए। 74 जवान देश के लिए बलिदान हुए तब भी तो शहीद का दर्जा नहीं दिए। यहाँ युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, ये बुढ़ाओ अपने लिए तीसरा मौका मांग रहे हैं, युवाओं को नहीं बुढ़ाओ बोल रहे हैं। युवाओं को खूब मौका मिल रहा है भैया, युवाओं को खूब तीसरा मौका मांग रहे हैं कि हमको तीसरा मौका चाहिए। बोल रहे हैं 400 पार इस बार, क्या बोल रहे हैं 400 पार? 40 नहीं होगा, 40 तो कह रहे हैं योगी जी दे देंगे 80 की 80 सीट का। योगी जी तो कह रहे हैं 80 सीट यूपी में है, 100 ले जाएंगे, 80 ले जा रहे हैं वो, नहीं 100 ले जाएंगे भाई, मैं तो कह रहा हूँ 100 ले जाएंगे वो 80 का। वो ईवीएम में वो सही तो है, इलेक्शन फेयर नहीं है, ईवीएम में 100 बता देगा, छोड़ दीजिए 400 आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। हम तो कहते हैं 40 पार नहीं जाएंगे, छोड़िए 40 पार नहीं जाएंगे, 40 पार। ये अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी, हमारी पार्टी 400 पार तो आप लोग देख सकते हैं। एक तो प्रधान, एक तो जो कि विधायक हो जा रहा है, प्रमुख हो जा रहा है, मूल निवासी है यहाँ, हाँ यही के। जैसा कि अभी बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी जी को टिकट दिया है, तो क्या लग रहा है, निकल जाएंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेंगे, हम लोग रीता जोशी को चाह रहे थे, रीता जोशी के गुट के हैं जी, और बहुत बड़ी तगड़ी यहाँ पे गुटबाजी हो जाएगी और बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसा क्या कारण था जो उन्हें टिकट नहीं दिया गया? अब वो कारण जो बीजेपी का राजनीतिक है कि गुलामी करें मोदी सरकार की, बोल रहे हैं आपस में अनबन थी, आपस में अनबन क्या, जनता का काम अच्छा है कि खराब है ये पैमाना होना चाहिए कि पार्टी में उनका गुलामी है कि नहीं है, किसी का पैर छू रही है कि नहीं है, ये देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा, इस बार 400 पार हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। अगर टिकट मिला होता उनको तो यहाँ से मिला, इसका संदेश कई सीटों पर जाता है ना जी, एक सीट का असर कई सीटों पर जाता है, कई सीटों पर जाता है। हाँ तो आसपास की यहाँ की कौशाम्बी पे जाएगा, फूलपुर पे जाएगा, प्रभाव अन्य सीटों पर भी पड़ेगा। तो हमारे दावा कर रहे हैं 400 पार, हम अब 400 बोले 800 बोले, दावा करने वाले क्या जा रहा है, हर पार्टी तो कह रही 400 पार हो जाएगा। किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को, राहुल गांधी को जी। कुछ लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी बोल नहीं पाते, देश कैसे चलाएंगे वो राहुल कौन क्या बोल पाता है और कौन क्या कर पाता है, ये जनता को समझ में आ गया, थोड़ा टाइम लगता है समझने में। जनता बोल रही है हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मोदी सरकार बढ़िया है। तो राशन हम खरीद के अपने पैसे से ला सके, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। बेरोजगारी है, पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सरकार? बेरोजगारी को नियंत्रित करना सरकार का ड्यूटी है जी। और पेपर ये तो बहुत हास्यास्पद है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर इतनी फेल है कि लगातार एक ही आरोपी कई पेपर लीक करा रहा है और आप उसको जेल भेजते हो, बेल लेके फिर चले आता है, फिर अगला पेपर लीक कराता है, तो बहुत हास्यास्पद है। ऐसा लगता है 2020 का मैच है, जानबूझ के करना नहीं चाहते। योगी सरकार तो बोला मतलब बोल रही है कि भ्रष्टाचार गुंडा में हम लोग, योगी सरकार का काम बढ़िया काम कर रहे हैं, गुंडा माफिया सब खत्म है, सब खत्म है, काम भी अच्छा है, बढ़िया है, डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया है, डेवलपमेंट बढ़िया हो, मतलब 2029 में आनी चाहिए फिर सरकार, बिल्कुल आनी चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। क्या माहौल है प्रयागराज का? अरे प्रयागराज का ठीक है माहौल है, लेकिन त्रिपाठी निकल पाएंगे कि नहीं यहाँ से? नहीं निकलेंगे। ऐसा क्या कारण है? कारण ऐसा ये है कि देखिए मीडिया वाले तो खाली उन्हीं को दिखाई रहे जी, दूसरे प्रत्याशी का कुछ दिखाई नहीं रहे जी,
दूसरे प्रत्याशी के अगर कोई क्रम कुछ बता भी रहा है तो पूरा देखिए तो खाली मोदी मोदी। आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया वालों पे, और क्या, यही है। जहाँ देखिए जनसवाल उभर रहा है किसी और का, उसको दिखाई नहीं रहे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो मीडिया ही तो दिखाया कि भारत जोड़ो यात्रा, बहुत थोड़ा सा दिखाता था उसके बाद हटा देता था। जैसा कि राहुल जी यहाँ पे रुके थे भारत जोड़ो यात्रा, मीडिया का काम है जो पक्ष में बैठा है उससे सवाल करे, जो विपक्ष में उससे ना करे, लेकिन यहाँ विपक्ष में जो है उसी से बार बार वही सवाल कर रहे हैं। अरे विपक्ष में वो तो आज 10 साल से आप वही राहुल गांधी चिल्ला। अरे भाई जो सरकार में है दूध का धुला हो जाता है जो जाता है सरकार में। ये सरकार बोले जितने गुंडा माफिया थे सब अखिलेश के राज में थे, कांग्रेस के राज में थे, उस पर क्या कहेंगे? अरे बहुत, चलिए छोड़िए क्या बताया जाए, वो सब जान रही है पब्लिक। इस बार 400 पार ऐसे हुआ बनाए हैं तो बेरोजगारी फैला रहे हैं 5 किलो अनाज दे के, और क्या। मोदी सरकार बोल रहे हैं महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है भैया बोल रहे हैं तो क्या देना हो, 40 करोड़ मेरे हमारे पूरा परिवार, उस पर क्या कहें। अरे परिवार है तो बहुत कुछ बोल रहे हैं भाई, बोलने वाले परिवार जो है वो भुखमरी में जी रहा है, मुफलिसी में जी रहा है, गुर्बत में जी रहा है, खाने के लिए अनाज नहीं, रहने के लिए आवास नहीं। तो दे रही है ना 5 किलो? अरे 5 किलो अनाज जी। ये हम अपने परिवार के माता पिता भाई बहनों को 5 किलो अनाज दे के छोड़ दें कि उनको सक्षम बनाएंगे अपने बाल बच्चों को? सर तीसरी पंचवर्षीय योजना से इंदिरा गांधी उनकी दादी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज राहुल गांधी बोल रहे हैं गरीब मुक्त हो जाएगा भारत। कैसे हो जाएगा? क्या कर्नाटक गरीब मुक्त हो गया? राजस्थान में आपकी सरकार थी गरीब मुक्त हो गए? क्या वहाँ बेरोजगारों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा रही है? जवाब दीजिए। देखिए ये किसी पार्टी के समर्थक है, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। किस पार्टी के समर्थक? बीजेपी। हम बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी हैं और रहेंगे। बीजेपी रोजगार नहीं दे रही है जी। हमें हमारी जो बात करेगा, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और हमारी जो बात करेगा कांग्रेस के घोषणा पत्र में है शरीयत लागू करेंगे। शरीयत आप एक समान नागरिक संहिता की बात करेंगे कि आप शरीयत लागू करेंगे? एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की बात आप क्यों करते हैं? बीजेपी वाले भी तो कर रहे हैं। का नहीं हूँ, बीजेपी वाले भी तो हिंदू नहीं, नहीं हिंदू तो हिंदू का और भी तो ऑप्शन लाई ना, मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। कांग्रेस हिंदू हिंदू करेगी, अगर सपा हिंदू हिंदू करेगी तो मैं सपा का समर्थक रहूंगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अभी हिंदू हिंदू सिर्फ बीजेपी कर रही है इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूँ। कल को अगर कांग्रेस करेगी बीजेपी कर हिंदू हिंदू का नाम लेगी तो मैं कुंठित और सीमित मानसिकता है ये। मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं हिंदुओं के बारे में सोचूं। सर आपके घोषणा पत्र में है कि मैं शरीयत लागू करूंगा, ये आप कहाँ तक सही मानते हैं? ये कहाँ तक सही है? पूरा सही है, बहुत सोच समझ होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, सभी हर व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होना चाहिए कि आपके लिए अलग होगा मेरे लिए अलग होगा। धर्म धर्म जो है विशेष व्यक्ति विशेष का अपना रुचि होना चाहिए, जो व्यक्ति जिस धर्म का है। कुछ पार्टियां बोल देती हैं हिंदू धर्म के बारे में, उस पर नहीं बोलेंगे आप रामायण ऐसी है ऐसी, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। अगर आपका स्वतंत्रता होना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मैं किस धर्म को मानूं। हिंदू धर्म में तो बहुत लोग सवाल उठाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जो भी तो एक धर्म है। मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म का अनुयायी है, जिस धर्म में उसकी आस्था है, वो अपने हिसाब से अपने जीवन को जिए। किसी दूसरे को आप नहीं डिसाइड करेंगे कि राम को मैं ज़्यादा स्नेह करता हूँ या मेरे धर्म के हैं तो मैं दूसरे धर्म के बारे में अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करूँ, ये गलत है। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप में सहमत हूँ, लेकिन किसी पार्टी के घोषणा पत्र में कि शरीयत लागू करूंगा मैं जीतने पे, ये आप बताइए किसके लिए? वो आप बोल रहे हैं, हमारे जानकारी में नहीं है, घोषणा पत्र में है, आप अपडेट रहिए सर। जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी माननीय हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बोला कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कम लग रहा है, ये मुस्लिम लीग का इस पे छाप लग रही है, तो ये आप उसको अपडेट करिए सर। किसी रैली में उन्होंने बोला, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मोदी शाश्वत हैं। आज हमारा देश वैश्विक पटल पे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो उतना ऊंचा उठ रहा है, ये हमारे माननीय मोदी जी की। मेरे भाई मोदी जी कह रहे हैं पांचवें नंबर पे। एक सेकंड पांचवें अच्छे छोड़िए, गरीबी में हमारा देश किस नंबर पे है, बेरोजगारी में किस आंकड़े पे है, पूरे हिंदुस्तान पूरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये आंकड़े निकालिए, किस नंबर पे ये बता रहे हैं कि बहुत ऊपर जा रहा है, किस क्षेत्र में किस नंबर पे ऊपर जा रहा है? हर दृष्टि से आज ही पेपर आप उठाइए, दैनिक जागरण में लिखा है कि एशिया की नंबर 1 इकोनॉमी
बनने जा रही है भारत, जा रही है ना। अभी वर्ल्ड बैंक ने उसको 7% और फिंच जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसने 7%। अच्छा, ये माने कि नहीं आप मोदी जी के बातों में दम है, जो कहते हैं वो करवा देते हैं? नहीं, अभी तक 15 ताली बजवा देते हैं, दिया जलवा देते हैं, करवा देते हैं, ये सब तो है। बाद में दम है, दम यही है, दम यही है कि 15 लाख का इंतजार हम लोग कर रहे हैं अभी तक। कह रहे हैं 15 लाख मिल गया हमें, राम मंदिर मिल गया, सब कुछ मिल गया। नहीं तो राम मंदिर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया, कुछ लोग मान रहे वही हमारे लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया, उसमें इनकी क्या भूमिका है? जैसे कुछ लोग मान रहे हैं 15 लाख हमारे लिए राम मंदिर ही है। हमें मिल गया, हमारे प्रभु श्री राम आ गए, 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हमें 15 लाख मिल गया, 15 लाख आ गया अकाउंट में। हाँ तो ये स्वतंत्र है भाई, इनके 15 लाख आ गए, इस्तेमाल करें। दादा जी क्या नाम? एस के श्रीवास्तव। किस पार्टी से हैं आप? हम भाई अभी तो हम लोग इंटेक से कांग्रेस के थे। कांग्रेस के पलट लिए आप भी? नहीं, नहीं हमेशा से, हमेशा से हम लोग कांग्रेस। राहुल जी को मौका देंगे इस बार? बिल्कुल मौका देंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ लग तो रहा है बनना चाहिए। लोगों ने पप्पू पप्पू कहते हैं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए पप्पू पप्पू बनाया गया, कहते नहीं है उसको, घोषित किया गया है पप्पू है, बस घोषित किया गया, उसके लिए बहुत खर्च किया गया है पप्पू बनने के लिए। खुले मंच पे कुछ भी बोल देते हैं, भाषण देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं बोल नहीं देते, देखिए वो अपनी अपनी राजनीति है, लोग भाषण देते हैं, भाषण में बोलना चाहिए, अपने आप में वोट मांगने के लिए लोग बोलते हैं ही हैं, तो भी बोलते हैं, उसमें कोई दुखी बात नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर पढ़ के आए हैं, तो देश चला लेंगे कि नहीं? नहीं क्यों नहीं चला लेंगे, अच्छे अच्छे जब एक अंगूठा छाप देश चला लेता है तो उसको चला, तो पढ़ा लिखा है। कौन अंगूठा छाप? मोदी को लोग, बहुत लोग देखे हैं। मोदी को बोल रहे हैं? नहीं मोदी कहाँ बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं बहुत लोग अंगूठा छाप चला लेते थे, तो राहुल चला लेगा क्यों? क्यों नहीं चलाएगा, चला लेगा बनने के बाद। आप लोग देख सकते हैं बहुत लोग कांग्रेस का भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार साकिया। यहाँ के निवासी हैं आप? हाँ मैं यहाँ के निवासी हूँ। तो नीरज जी का सपोर्ट कर रहे हैं? नीरज जी को बिल्कुल सपोर्ट। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो यहाँ का अभी हमारा तो शायद पश्चिमी लगता है, उधर अभी तो कैंडिडेट में पता नहीं है, तो उधर हम उनका सपोर्ट करेंगे, हम तो कांग्रेस सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस सपोर्ट करेंगे जी है। राहुल बाबू को बनाएंगे इस बार? बिल्कुल 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 बन जाएंगे, बन जाएंगी, या जनता या जनादन है, जनता जिसको चाहेगी उस सत्ता में आएगी। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो पार्टी बनाई है सिर्फ मोदी को हराने के लिए बनाई है? नहीं नहीं कुछ लोगों से कहने से क्या होता, जनता तो नहीं कह रही ना, जो 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 बीजेपी के समर्थक होगा वो तो बोलेगा ही, वो तो बोलेगा ही। भैया इस बार किस पे मुहर पड़ेगा? मोदी के नाम पे, मोदी पे जी। ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस को बनाएंगे। अरे सबकी अपनी अपनी राय है, इनकी राय है उनके लिए, तो हमारी राय इनके लिए, इनके तो लिए किसी के राय को हम बदल थोड़ा काहे लिए मोदी को बनाएंगे? अरे भाई देखे नहीं दो पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ, बस उसी को सोच के तीसरी बार आएंगे तो और कुछ करेंगे? करेंगे 100% करेंगे। बोल रहे हैं तीसरी बार आएंगे, आप बोल रहे हैं राहुल जी आएंगे? नहीं कहने को तो चौथी बार बोले, 400 पार बोले, 800 पार बोले, बोलने को क्या कुछ भी बोले, बिना बोले कैसे काम बनेगा भाई? क्या होता है तो अभी अभी दम होगा तभी तो बोल रहे हैं। अरे बोलने को तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, हमारे 500 पार है, उससे क्या मतलब है? हमारी सरकार बनी है ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना, 400 पार हो चाहे ना हो, लेकिन अब मुद्दा मोदी जी ने ला दिया। कह रहे हैं ईवीएम अगर 400 पार आ रहा, अगर ये कह रहे हैं भाई सरकार, हमारी सरकार आ गई तो इलेक्शन ही बंद कर दो, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमें सरकार के लिए 270 ही चाहिए ना, और हम 400 का टारगेट। कुछ लोग कह रहे हैं मान लिए कि हमारी सरकार बन गई। भैया कुछ लोग ईवीएम, कुछ लोग ईवीएम में सवाल उठा रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? ईवीएम चुनाव आयोग ने बाहर रखा था इतने दिनों तक, जाके हैक कर लीजिए। अभी आप एमपी में देखे हैं, एमपी में देखे हैं, सपा के अगर बटन दबाओ तो बीजेपी की निकलती पर्ची, आपको पता ही होगा। आयोग तो कह रहा है, चैलेंज दे रहा है आके हमें चुनाव। अभी संजय सिंह ने दिया ना, संजय सिंह ने बताया ना कैसे हैक होती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हैक होती। जो तो गारंटी दे रहा है कि हमें गलत करके साबित करो चुनाव। अरे भैया चुनाव आयोग तो अभी बोलेगा गलत है, सबसे बड़ा चीज चुनाव का जो इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है वही गलत है, वही बिका हुआ है, मोदी ने ले लिया है। मोदी मोदी मतलब बिल्कुल देश का सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री। वो कैसे बोल रहे हैं 400 पार इस बार? 400 वो तो 600 पार कर सकता है, उसकी कोई उसका क्या।